अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग मेरी डेली लाइफ रूटीन पर है। घर था, तैयार हुआ, लंच का मूड है, नहीं लंच 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 नहीं लंच डिनर, लंच और डिनर के दरमियान की चीज है जो कि 5 बजे होती है, तो 5 PM पे। तो नॉर्मली आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे देसी फूड्स पे और देसी फूड रिव्यूज पे, लेकिन आज मेरा दिल किया बाहु बनने का। तो आज मैं जा रहा हूँ लंदन कोर्टयार्ड, दावत है तो वहाँ पर चलते हैं, कुछ दोस्त हैं तो मैंने सोचा साथ में व्लॉग बना लें। तो चलें बगैर टाइम से गैर वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ का खाना कैसा है, टेस्ट कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अब 2 घंटे बाद दोबारा मैं आपके सामने आया हूँ। जैसे कि आपने व्लॉग में पीछे देखा है, मेरा 5 बजे के अराउंड लंच था लंदन कोर्टयार्ड में, वो आप लोगों ने सब देख लिया। तो मैं घर आया था कोई अप्रॉक्सीमेटली 7:30 बजे। सर मेरा बहुत शदीद दर्द कर रहा था और मैं पैनाडॉल की गोली खा के सो गया था। तो अभी उठाऊँ और अभी जिम जाने की तैयारी, काफ़ी दिनों से जिम छोड़ा हुआ था तो मैंने सोचा अब रमज़ान शुरू होने लगे तो जिम जाना शुरू करें। रमज़ान की बात की है तो शायद कल पहला रमज़ान हो थर्सडे को, आज वेंसडे है तो कल शायद पहला रमज़ान हो। रोए हलाल कमेटी बैठी हुई देख। बहरहाल सऊदी अरेबिया और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में रमज़ान है कल, तो मेरे जितने भी ओवरसीज़ हजरात हैं, दोस्त अजीज़ और पाकिस्तानी मुसलमान, उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और रमज़ान में दुआ ज़रूर कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम बहुत मुश्किल हालात में चल रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम करेंगे कोई 1 घंटा, उसके बाद वापस आकर क्या करते हैं, आज डेली रूटीन व्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो आज के व्लॉग में जो मेन चीज़ें मेरी डेली रूटीन की वो आपसे शेयर करूँगा। तो अभी चलते हैं जिम, बाकी बातें आकर करते हैं, लेट्स गो। माशाल्लाह मेरा काफ़ी फैट आ चुका है देख सकते हैं, लेकिन रमज़ान में ही इस फैट को ख़त्म करूँगा। A few inches later. चल मुंगा जा छके जुत्ते न मारा करे। ओए क्या कर? आ जा छके जुत्ते न मारा करे। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। आ कहता मुझे अपने व्लॉग में लेके आएगी शर्मा मुन, तो आपको टॉफी मिलेगी और वहां फेमस हो जाएगी। चलिए कुछ भी कहे पतली कमाईया बोले इसको पर। चलूंगा, मुझे बहुत तंग किया कि शाम ले आऊंगा।
क्या इधर आओ इधर आओ वापस। A few minutes later. Welcome back. इस टाइम मैं घर आ गया था, जिम से फ्रेश हुआ हूँ और फ्रेश होने के बाद अभी मैं बैठा ही था कि सोच रहा था क्या करूँ, साथ ही खबर आ गई जी कल रोज़ा है। तो रमज़ान मुबारक, अल्लाह आप सब के लिए ये महीना बरकतों वाला लाए, आपकी अफ्तारियाँ सहरियाँ भरपूर हों। तो अब कल रूटीन चेंज होने जा रही है, कल से ऑफिस का टाइमिंग भी थोड़ी सी चेंज होगी, 10 to 4 होगी। लेकिन मसला ये होता है कि रमज़ान में मैं और मेरे घर में नॉर्मली हम लड़के जो हैं वो सहरी करके सोते हैं, सहरी होती है तकरीबन 4:30 बजे ख़त्म, तो फिर जल्दी उठना पड़ता है तो नींद बिल्कुल पूरी नहीं होती, तो ये बहुत मसला है। लेकिन खैर रमज़ान सारी अच्छे गुजरते हैं, ये भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा, फिर ईद आएगी। तो कल पहला रोज़ है, उसकी तैयारियाँ हैं। आज के व्लॉग में आपको सहरी भी दिखाएंगे कि मैं आज सहरी क्या खाऊंगा। तो फिलहाल मैंने सोचा बीच में आप लोगों को ये खुशखबरी दे दूं, सब लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मैं ऑब्वियसली अब सबको याद रखूंगा। तो अब आपसे मिलते हैं सहरी के वक्त और देखते हैं सहरी आज मैं करता क्या हूं। तो सी यू गाइस इन द सहरी, लेट्स गो। 3:28 AM मेरी तो सहरी आ चुकी है, आप लोग भी अपनी सहरी जाके कीजिए, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और रमज़ान का आज पहला रोज़ा अच्छा जा रहा होगा आप लोगों के लिए, मोस्टली लोग तो अभी सो रहे होंगे। और अगेन सुबह सहरी की, सहरी करने के बाद मैं सो गया था, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर नमाज़ पढ़ के फिर सो गए थे। तो अब मैं 8:30 बजे उठ गया था क्योंकि ऑफिस जाना था, नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई। लेकिन आज बाहर मौसम बहुत कमाल का है, बड़ी मज़े की बारिश हो रही है और रिंग रोड पे इस टाइम ड्राइव करते हुए बहुत स्वाद आ रहा है, तो वो नींद वाला जो फैक्टर था वो कवर हो गया। तो अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो आज शाम तक की रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगा क्योंकि कल शाम से शुरू की थी जो लंच कम डिनर किया था और आज शाम पर ये एंड होगी। तो आज शाम तक हम क्या करते हैं आप लोग साथ साथ हैं, फिलहाल तो अभी ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाके देखते हैं क्या मामला है, आप लोग साथ जुड़े रहिएगा, लेट्स गो। इस टाइम जी इफ्तारी का टाइम हो गया है और मैं स्टिल ऑफिस से वापस जा रहा हूँ, अभी तक मेरा रोज़ा खुल गया, मैंने खुला नहीं है, तो बस 2 मिनट में घर पहुँच रहे हैं, रोज़ा खोलते हैं। टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं व्लॉग कंटिन्यू कर सकता, तो अभी बस मैं घर पहुँच रहा हूँ, 2 मिनट में इफ्तारी करके फिर आप लोगों से बात करता हूँ। ओके जी अब अंदर चलें जल्दी जल्दी, मुझे लगता है मेरे पहुँचने तक इफ्तारी ख़त्म हो चुकी है। अफ्तारी तकरीबन खत्म हो चुकी है, अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।